टू सेलम अभी 47 किलोमीटर और है। इस टाइप से रोड 30 हेयर पिन, यहाँ से हेयर पिन जो है वो स्टार्ट हो गया है। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं टुकू? ट्रिप पे यारकॉट जा रहे हैं। सो बैंगलोर टू यारकॉट जा रहे हैं, हम लोग रेडी हैं। हेलो, से हाय टुकू। हाय। तो अभी हम लोग बेसमेंट में है इसलिए ऐसा है, तो अभी निकलते हैं। अभी 7 बज चुका है, एक्चुअली 7:06 हो चुके हैं और 5 घंटा लगेगा जाने में, इंक्लूडिंग ब्रेक 5 घंटे से ऊपर लगता है। देखते हैं क्या, जैसे भी जो भी होता है आपको अपडेटेड रखेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाला है। और बैंगलोर से यारकॉट जो है वो कितना किलोमीटर है मोना? 230 आप ऑलमोस्ट लेके चलो। और टुकू को माउंटेन में जाना था तो हम लोग माउंटेन पे जा रहे हैं, और हमारे साथ एक और कपल है और टुकू की फ्रेंड है, इस लोगों का एक ट्रिप हो जाएगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, आपको बीच बीच में अपडेटेड रखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं यारकॉट। कहाँ जा रहे टुकू? यारकॉट। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, हर 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 हर। हुसूर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। हम लोगों को निकलना था 6 बजे, मैक्सिमम 6 बजे, बट निकलते निकलते 7 बज गए। तो ये हमारा फर्स्ट टोल आ गया है और ये होसूर का टोल। राइट, अभी से नींद आ रही है तुमको? नहाने के बाद BTL प्लाजा था ना। धर्मापुरी बैंगलोर रोड कहीं पे क्रैश हुआ है और तो हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं होटल कृष्णा इन में। ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, नहीं एक्चुअली छोटा छोटा बहुत सारा फूड जॉइंट है यहाँ पे, काफी कुछ है। 5-star चिकन, सीसीडी, A2B। अभी श्री कृष्णा इनसे खा के निकल गए हैं, बहुत अच्छा खाना था। बहुत अच्छा था, हमने बहुत कुछ ऑर्डर किया, आपने देखा, मैंने वीडियो में दिखाया है, आपको जो भी लेना आप ले सकते हो। एंड बिल भी, प्राइस भी रीजनेबल है। इनफैक्ट ऐसे रूट पे अगर आपको मिल रहा है ना रेस्टोरेंट, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। तुमको कैसा लगा? तो आप यहाँ पे रुक सकते हो और बहुत छोटा छोटा सा और भी बहुत सारा स्पॉट था, ऐसा बड़ा बड़ा था, मैकडॉनल्ड था, बिगिस बर्गर था, 5-star। मैंने KFC का भी ड्राइव थ्रू देखा है, वहाँ पे नहीं बट थोड़ा सा पहले ही था, तो वो बहुत कुछ खाने पीने का यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कृष्णागिरी टोल प्लाजा है, कृष्णागिरी
टोल प्लाजा और लोकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे टोल है और यहाँ पे माउंटेन है और सारे ही टोल प्लाजा पे इतनी ही ट्रैफिक है। आज वीकेंड है इसके वजह से। थर्ड टोल प्लाजा 120 रुपीस सिंगल जर्नी, रिटर्न जर्नी 180 रुपीस। तो सेलम अभी 47 किलोमीटर और है एंड सेलम से कितना है यारकॉट? दिमाग जो है हमारे बिहारी भाषा में जन जन आ जाए और हम लोग अपना रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाए। हम लोग अभी सेकेंड स्टॉप पे रुक रहे हैं जो कि है सीसीडी। तो हम लोग अभी प्रॉपर सेलम सिटी में हैं और यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे कुछ देर के लिए और फिर उसके बाद निकलेंगे। सेलम से कितना टाइम लगेगा? एक घंटा। रेडिसन की जो एंट्री है वो यहाँ से है। ये रही रेडिसन सेलम वाली। 400 meters, your destination will be on the left. वाटरमेलन का एक कूलर टाइप है, सोडा वगैरह नहीं होगा ना उसमें? नाम से तो नहीं लग रहा। नाम से नहीं लग रहा मतलब पूछना पड़ेगा। सोडा क्यों पिएगी? कैसा है? बेसमेंट पार्किंग में इधर इधर लेफ्ट लेफ्ट वो सामने बिल्कुल सामने दिख रहा है। मेरे को तो नहीं दिख रहा। चलते जाओ दिख जाए। थोड़ा लेफ्ट दिखा फॉल। मेरा वैसे बहुत बड़ा सर्कल है। अच्छा कितने सब्सक्राइबर आप दिला दोगे? इतना धीरे आप ले भी रहे हो क्या? पूरा ले रहा हूँ आप देखो। Hey, bro, like, share and subscribe. Yes, subscribe to Priya's Nest. अच्छा ये फिरकी ले फिरकी ले रहे हैं। नहीं हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आप तो देखे ही ना। इस टाइप से रोड है। 30 है पिंस है ना? 30-25 जो भी हो चेंज नहीं है। तो पास पूरा छो नहीं उसको। पूरा पानी है। कितना लिया? 50 यार। कॉर्ड टोल गेट कार जी 50 रुपीस पिकअप 80
बस एंड लॉरी के लिए 60 है ना, हेयर पिन बोलते हैं इसको, हेयर पिन टर्न बोलते हैं, हर पहाड़ पे होता है बट यहाँ ज्यादा ये इसी के लिए फेमस है। सामने आ रहा है, बहुत सारा है, बोले तो और कुछ देखे ना जानवर, सिर्फ मंकी है। बहुत सारे मंकीज है, डर लगता है कहीं चलते गाड़ी में थोड़ी ना तुम सच्ची में। यहाँ से हेयर पिन जो है वो स्टार्ट हो गया है, हेयर पिन बेंड, और अभी जो होटल का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर है और घाट वाला जो रोड है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ऊपर में पूरा का पूरा सिटी है, एक यॉर्कशायर, एक्चुअली इट्स अ सिटी ओनली। तो ऐसा है अभी हमारा जो जहाँ पे हम रुकने वाले हैं वो बस सिर्फ 1.4 किलोमीटर है और यहाँ पे बहुत कुछ है, पेट्रोल पंप भी है ऊपर, यॉर्कशायर लेक। यहाँ पे मैं भी हम लोग शाम में आए, ये रहा टेम्पल, कावेरी पीक, देखो ये बोटिंग भी लोग कर रहे हैं, हम लोग कर सकते हैं पैडलिंग। तो यहाँ पे ना आसपास में ही, मतलब आप जहाँ भी रुकते हो यॉर्कशायर में, आसपास ही आपको बहुत सारे अट्रैक्शन मिल जाते हैं। आप देख सकते हो यॉर्कशायर का बस स्टैंड भी है, लेडीज सीट है। In 200 meters, keep left at the fork. ना ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग हिल टॉप पे रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कुर्ग गए हैं, वहाँ पे भी हम ऊपर नहीं, मतलब बिल्कुल ऊपर जाके नहीं रहते। थोड़ा बेटर है। तो ये रहा हमारा होटल है, ये रहा हिल है और यहाँ पर रिसॉर्ट है। Your destination is on the right. एसी है कि नहीं, एसी नहीं दिख रहा है भाई, बस पंखा है, खैर जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग यॉर्कशायर जो है पहुंच चुके हैं और अभी जो ये वीडियो है, जो रोड ट्रिप वाला जो वीडियो है वो खत्म कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बैंगलोर से यॉर्कशायर जो है हम लोग, अभी टाइम हो रहा है 3:30 हो चुके हैं और हम लोग वहाँ से निकले थे 7:30 के लगभग। तो कितना टाइम लगा? 8 घंटे लग गए, बट हम लोग दो जगह रुके हैं और अच्छा खासा टाइम के लिए रुके हैं, बच्चे हैं तो साथ में हम लोग रुक के आए हैं। रोड ट्रिप था ना, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मजा आया। और अगर आप अर्ली अगर स्टार्ट करें, हमें एक्चुअली बहुत लंबा जो है ना ट्रैफिक मिल गया बीच में, कम से कम 3 से 4 जगह पे, राइट, जिसमें से 3 जगह तो एक्सीडेंट्स हुए थे। तो उसके वजह से ना मुझे लगता है कि 2 घंटे कम से कम यहाँ पे डिले हुआ है।
अदरवाइज हम जैसे अभी 3:30 बजे पहुँचे थे तो 1:30 तक हम पहुँच जाते हैं ब्रेक के साथ। टेम्परेचर है बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, 26-27 डिग्री ऐसे चल रहा है। और मैंने आपको ऑन द वे जो भी अट्रैक्शन मुझे दिखा वो सब मैंने कवर अप किया है, जो कि मैं आगे व्लॉग में भी आपको दिखाऊंगी। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट जो है वीडियो वो मैं रूम टूर का करने वाली हूँ, तो बेचारी मैं वो शूट करने के लिए। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मेरी।